ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो अब देखिए, हमें ये पता है tan a plus b is equal to हमें कितना गिवन है, रूट थ्री। ठीक, अब देखिए tan a plus b is equal to, अब देखिए क्या करेंगे, रूट थ्री किसकी वैल्यू होती है, tan की टेबल में tan 60 डिग्री की वैल्यू रूट थ्री होती है। अब देखिए क्या हो जाएगा, दोनों तरफ tan है तो ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, तो a प्लस बी इज इक्वल टू हम मान लेते हैं 60 डिग्री, इसे मान लेते हैं इक्वेशन वन। ठीक, अब देखिए tan a माइनस बी इज इक्वल टू है हमारा 1 अपॉन रूट थ्री। ठीक है, अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, tan a माइनस बी इक्वल टू, और देखिए 1 बाय रूट थ्री किसकी वैल्यू होती है, tan की टेबल में 30 डिग्री की वैल्यू होती है, तो tan 30 डिग्री। अब ये आपका क्या हो जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, इसे इक्वेशन टू मान लेंगे। अब क्या करेंगे, सॉल्व इक्वेशन वन एंड टू। ठीक, a प्लस बी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 60 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे दोनों इक्वेशन को, तो b से b हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 प्लस 30 90 डिग्री, तो a की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री, a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, a की वैल्यू 45 डिग्री इक्वेशन टू में रखेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 45 डिग्री माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो देखिए b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, तो b की वैल्यू आपकी आ जाएगी 15 डिग्री। ठीक, a की वैल्यू 45 डिग्री, b की वैल्यू 15 डिग्री, यही हमारे आंसर्स।